सुप्रभात मेरे बच्चों। पिछली कक्षा में बेटा, जैसा कि हम लोगों ने उक्त पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण, जो कि एक व्यंगात्मक निबंध के रूप में है, इसका हम लोगों ने पठन पाठन किया और समाप्ति के उपरांत कुछ सकारात्मक विचार मेरे ही नहीं अपितु मेरा विश्वास है आप सबों के मानस पटल पर भी अवश्य अंकित हुआ होगा कि पड़ोसियों के प्रति हमारा विचार कैसा होना चाहिए अथवा अच्छे पड़ोसी के क्या गुण होना चाहिए। तो आइए उन कुछ मुख्य बिंदुओं पर पहले हम लोग विचार कर लें। पड़ोसी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहली बात, मित्रतापूर्ण एवं निस्वार्थ प्रेम का। निस्वार्थ से हमारा तात्पर्य है जो स्वार्थ रहित हो, क्योंकि स्वार्थ की नींव पर जो संबंध होता है वह अस्थाई होता है, ठीक है। दूसरी बात कि पड़ोसियों के लिए सुख एवं दुख में पूर्णतः सहयोग की भावना होना चाहिए। सुख और दुख ऐसा नहीं है कि पड़ोसी की आवश्यकता हमें सिर्फ दुख में होती है, सुख में भी और दुख में भी दोनों बराबर के हकदार, दोनों पड़ोसी एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। आगे, ईर्ष्या एवं बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या एवं बदले की भावना, ईर्ष्या से जहां तक बेटा इस पाठ में हम लोगों ने जिक्र किया है, ईर्ष्या अर्थात जलन, यानी किसी की अच्छाई को देखकर अंदर उससे जलन की भावना होना, वैसा नहीं होना चाहिए। और बदले की भावना, बदले की भावना हो सकता है जाने या अनजाने में किसी प्रकार की छोटी मोटी गलतियां आपस में होती रहती हैं, हो सकता है ऐसा कोई व्यवहार पड़ोसी का हो जो कि हमें उपयुक्त नहीं लगा हो, फिर भी हमें उन भावनाओं को, उन बातों को नज़रअंदाज करके और प्रेम तथा सौहार्द का वातावरण, व्यवहार, आपसी संबंध हमेशा बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने अच्छे पड़ोसी में निम्नलिखित गुणों को देखने का प्रयत्न एक दूसरे करेंगे, ठीक है। क्या? संवेदनशीलता, दयालुता, ईर्ष्या से कोसों दूर रहने वाला, पड़ोसी के हित की बात सोचने वाला और करने वाला, उदार एवं छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आइए प्रश्नोत्तर पे हम लोग विचार करें। जैसा कि पाठ में से पहला है, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे, है ना। आइए हम लोग विचार करते हैं, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय भाभी जी का हालचाल पूछकर, पुराने जूते, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को उनके घर के सामने फेंककर तथा एक दूसरे के प्रति स्नेहमय व्यवहार दिखाकर देते थे। समझ में आया? व्यंगात्मक रूप में इतना कुछ करने के बाद और इसे अपनी उदारता बताते थे, समझ में आ गई। अब चलिए दूसरा, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते थे, ठीक है। पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक यह तर्क देते थे कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है, इसका बुरा प्रभाव तो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता ही पड़ता है,
उससे उनकी नजर भी कमजोर हो जाती है। थी ना ऐसी बात। चलिए अब आगे, व्यक्ति ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है? मेरे समझ से इसका तुलनात्मक कुछ केंद्र बिंदुओं को अंकित करते हुए मैंने बताने की, समझाने की कोशिश की है। इसे मद्देनजर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना इसलिए की है क्योंकि नंबर वन, इस प्रश्न के उत्तर को मैंने कुछ पॉइंट में इंगित किया है जिसे आप लोगों को पढ़ने, समझने, याद करने में सुविधा होगी। नंबर वन, पड़ोसी और पड़ोसी देश दोनों ही बनावटी प्रेम और सद्भावना रखते हैं। नंबर दो, पड़ोसी की तरह पड़ोसी देश भी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा तो करते हैं पर उसे निभाते नहीं हैं। हस्तक्षेप जिसको कि आप लोग इंटरफेयर, दखल देना है ना, तो ऐसा करते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं हैं। तीसरा, पड़ोसी और पड़ोसी देश दोनों ही एक दूसरे को तंग करने का एक भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है। नंबर फोर, पड़ोसी की तरह पड़ोसी देश भी हमारे संबंधों में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर फाइव, पड़ोसी और पड़ोसी देश अपने से ज्यादा चर्चा दूसरे के बारे में करते हैं। नंबर सिक्स, जो कि अंतिम, पड़ोसी और पड़ोसी देश दोनों के बीच शीत युद्ध बनी रहती है। शीत युद्ध की चर्चा हम लोगों ने पाठ के अंतर्गत किया है और पुनः बता दे रही हूँ, जो कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में मीठा बोलना, उसका हित चाहने वाला ऐसा व्यवहार दिखाए और परोक्ष रूप में उसकी गलतियों को निकाल करके और हमेशा उसे ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना रखना, यही शीत युद्ध होता है। तो अंतिम यही है कि पड़ोसी और पड़ोसी देश दोनों के बीच युद्ध बनी रहती है। अब आइए आपका चौथा, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती थी। होती है से मतलब है जो कि ऐसा होता है, लेकिन थी इसलिए पाठ के आधार पे ही जो आया है उसकी चर्चा इस प्रश्नोत्तर में हमें करनी है। तो अक्सर पड़ोसियों में बहस, कचरा फेंकने के लिए तुस के सॉल पर दाग लग जाने तथा केबल काटने के, केबल का तार काटने के लिए होती थी। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए हम लोग ये आगे का क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जो कि आपको पाठ के आधार पर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा और सही गलत का इसमें निशान लगाना है अथवा बताना है। ठीक है। पहला है, तुस के सॉल पर चटनी का दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत परेशान थी। सही है ना। चलिए सही। दूसरा, लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति उदार था। नहीं था, उदारता का ढोंग करते थे लेकिन उदार नहीं था, यानी यह गलत। ठीक है।
उसके बाद तीसरा, लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी। आप लोगों ने देखा है ना, लेखक उनसे पूछते थे कि क्या है, जो भी कुछ हो व्यंगात्मक रूप में, लेकिन चिंता थी यानी वो पूछते थे, इसलिए ये सही। आगे, पड़ोसियों के बीच चाय की पत्ती, प्याज, सारी आदि का लेन देन होता था, तीनों चीज की होती थी, इसलिए ये सही। लेखक कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने मान लेते थे, मानते थे कभी नहीं, ठीक है, ये इसलिए गलत। अब आइए आगे बातचीत के लिए। बातचीत में तो सम्मुख आप लोग हैं नहीं बच्चों, तो ये डिस्कस कर लिया जाए। पहला, तुस प्रकरण को अपने शब्दों में बताइए। तुस, जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि तुस एक प्रकार का पहाड़ी बकरे का ऊन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही कीमती होता है। और यहाँ प्रकरण जो लगा हुआ है, तब इससे बात हो गई कि इसके विषय में, तुस प्रकरण के बारे में पाठ में क्या बात हुई है, इसके बारे में हमें बताना है। तुस एक प्रकार का कीमती कपड़ा है जो पहाड़ी बकरे के ऊन से तैयार किया जाता है। इस पाठ में लेखक की पत्नी को एक पार्टी में जाना था, ठीक है, तो अपनी, उन्होंने अपनी पड़ोसन से तुस की साल मांगी थी, परंतु खाना खाते समय उनसे शॉल पर चटनी गिर गई थी। उन्होंने लेखक को शॉल ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया, जिसमें 150 रुपए लगे थे। पड़ोसी को तुस के शॉल पर चटनी के दाग की बात पता चल गई और वह बहुत क्रोधित हुई। उनकी समझ में यह जानबूझकर किया गया अपराध था, जिसे जलन और स्पर्धा की भावना से किया गया था। बात हुई है ना ऐसा। और ऐसे तुस प्रकरण के बाद दोनों घरों में शीत युद्ध शुरू हो गया और महिलाओं में बातचीत भी बंद हो गई है, ठीक है। अब आइए बेटा, नेक्स्ट है, महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त क्यों हो जाता है। जैसा कि देखे हैं हम लोगों ने पाठ में देखा है कि तुष प्रकरण के बाद, तुष के शॉल पर चटनी लगने की बात को लेकर दोनों पड़ोसी में तूतू मैं हो गई, और उसके बाद यह सिलसिला शीत युद्ध में आ गया, और तब उसके बाद ये सिलसिला इन लोगों का समाप्त हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आगे का, ये जो तीन आगे का जो प्रश्न है, ये बातचीत के लिए जो कि व्यवहारिक रूप में है, ऐसी कोई घटना बताइए जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। तो ये हम लोगों में समाज, चूंकि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और वो समाज में रहता है, आस पड़ोस के लोगों से उसका किसी न किसी रूप में इस तरह की बात चलती ही रहती है। एक दूसरे का किसी भी मुसीबत में, अच्छे या बुरे दिन में, पड़ोसी ही सबसे पहले शामिल होते हैं। तो हर किसी के जीवन में, जैसा कि आप लोगों के जीवन में भी ऐसी कोई घटना आई होगी जबकि आप अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए उन्होंने आपकी सहायता की हो, उसका उसकी चर्चा करनी है। चलिए अब आगे, क्या वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार था, अपने विचार बताइए। पाठ पढ़ने के बाद कितनी बार ये जिक्र आई है और जिसके पश्चात हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि
दोनों लेखक और उनके पड़ोसियों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार नहीं था, और ये उदार नहीं, सामने से तो दोनों उदार होने का ढोंग करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछना या मीठी बातें बोल करके, लेकिन वास्तविक रूप में दोनों का एक दूसरे के प्रति उदार विचार उदार नहीं था, व्यवहार और विचार दोनों ही उदार नहीं था। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना यानी ये दोनों चीज हर किसी के सोच पर निर्भर करती है, इस पे कुछ विचार हम लोग कर ले। यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता? दोनों का विचार एक दूसरे के प्रति उदार नहीं था, और यहाँ उसी चीज को आपकी सोच के आधार पर पूछा जा रहा है कि अगर अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता। बेटा यह तो अस्पष्ट और सर्वविदित सत्य है कि आपसी संबंध अच्छे होने पर हमेशा इंसान के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। फिर वही बात हुई कि दोनों अगर मिलजुल कर रहते तो एक दूसरे की भलाई सोचते और करते, जिससे दोनों का जीवन सुखद रहता। चलिए अब आगे, यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी समझ रहे हैं, अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या से कैसे निपटते? सबसे पहली बात कि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो शीत युद्ध की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। शीत युद्ध तो वहीं उत्पन्न होता है जहां एक दूसरे के प्रति विचार में वैमनस्यता अंतर आती है। ठीक है, तो इस तरह के शीत युद्ध की समस्या ही नहीं होती। फिर भी कल्पना में मनुष्य स्वतंत्र होता है, ठीक है ना, वो कुछ भी विचार सोचने के लिए स्वतंत्र होता है, तो वो कुछ भी विचार कर सकता है। तो अगर ये संभावना यही बनती भी कि यदि वाकई में छोटी मोटी गलतियां हो भी गई तो आपसी प्रेम और समझौते से शीत युद्ध की समस्या से इंसान निपट सकता है। अब आइए भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है। तो ये पहला है शाश्वत, शाश्वत का उल्टा नश्वर। दूसरा है दुखद, दुखद का सुखद। गौ दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का सौभाग्य। अब चलिए दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों का भाव समझाइए। भाव समझाइए अर्थात इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है। क, एक साल से बिस्तर पकड़े हुए है, बिस्तर पकड़े हुए है अर्थात एक साल से बीमार है बिस्तर से, और वैसी बीमारी जो कि बिस्तर से उठने लायक ना हो, ठीक है। अब चलिए ये ख, हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चारपाई में अटकी रही, हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया अटक चारपाई में अटकना यानी असाध्य बीमारी का शिकार होना। तो हमारी भाभी की प्राण चिड़ैया चारपाई में अटकी रही यानी वैसा असाध्य रोग ग्रस्त कर लिया जिससे कि वो बिस्तर में ही चिपकी हुई रही, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ये गौ, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। 150 की चोट लगना अर्थात 150 रुपया खर्च होना, जैसा कि इसमें जिक्र आया है इसकी सफाई में, तो उसके सॉल की सफाई में 150 की चोट लगी, 150 रुपया खर्च हुआ। अब चलिए हम लोग जीवन मूल्य वाले प्रश्नों पे विचार करें। पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है,
हमें इस आदान प्रदान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही अहम चीज है, जो कि हर पड़ोसी हर मनुष्य के लिए ये जीवन में इस तरह का होता रहता है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय और समय किसी भी मनुष्य को पड़ोसी की ही मदद लेनी पड़ती है, और हर मनुष्य को किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो ऐसे आदान प्रदान में हमें कुछ बातों को मद्देनजर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि पहली, कोई भी वैसी वस्तु जिसको देने में ऐसा लगे कि जाने अनजाने पड़ोसी की किसी असावधानी की वजह से नुकसान हो सकता है, तो हमें वैसी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करने में ही भलाई है ना। अब उसके बाद ये जान लीजिए कि आगे दूसरा, अगर दैनिक वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही है, जो कि कभी कभार आवश्यक भी होता है, क्योंकि किसी भी समय असमय हर इंसान को किसी की जरूरत पड़ती ही है, और वैसे में सबसे पहले हम पड़ोसी की ही मदद लेते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके ही इस संबंध को अच्छा बनाकर रखा जा सकता है। तो इन बातों का हमें मद्देनजर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समय असमय पड़ोसी ही काम आते हैं। इसलिए अगर छोटी छोटे बातें अगर बीच में आती भी हैं, तो उसे हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, तभी आपसी प्रेम आपसी संबंध प्रेमपूर्ण और सौहार्द का रहता है। आगे, ये निम्नलिखित परिस्थितियों में आप पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, जब उनके परिवार में कोई अस्वस्थ हो, एक पड़ोसी के नाते हमारा फर्ज ये बनता है कि हम तन मन से, और अगर संभव हो तो धन से भी उनकी सहायता करें। दूसरा, जब उनकी उपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए, अब यहाँ ध्यान देने वाली है बात है कि अतिथि अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, तो अतिथि का आना आगमन जो होता है वो हर किसी के लिए पहले तो कहा जाता था, और अभी इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए कि सौभाग्य की बात होती है। तो अगर पड़ोसी नहीं रहे और उनके अनुपस्थिति में कोई अतिथि आ जाए, तो एक अच्छे पड़ोसी के रूप में हमारा यह फर्ज बनता है कि उनके अतिथि को अपने अतिथि के समान हम आदर सत्कार करें, जब तक कि वो पड़ोसी नहीं आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए, हम लोगों ने धन्यवाद हम लोगों ने सारे प्रश्नों के ऊपर विचार किया। अब गृह कार्य के रूप में आप लोग 1 से 5 तक का जो भी प्रश्नोत्तर है वो लिखिएगा, और जीवन मूल्य वाले प्रश्नों के बारे में, कम से कम ये जीवन मूल्य का पहला आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।